यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा इसी के साथ इसके बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जीएस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज अपन 31 तारीख जो कि सुबह 9 से 11 की शिफ्ट हुई थी उसका पूरा विश्लेषण तैयार करेंगे। इसी के साथ साथ जो कल शाम की शिफ्ट हुई थी, कल शाम की शिफ्ट 3 से 5, उसका भी विश्लेषण करेंगे। फ्रेंड्स, मैं क्षमा चाहता हूँ कि किसी कारणवश मैं शाम का वीडियो नहीं डाल सका। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपन जीके में। जीके में फ्रेंड्स अपन बात करें तो इंडिया की करंट से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी की शिफ्ट में आप देख लीजिए जो सुबह की हुई है, मैं उसका पहले बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? तो हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये आप आसान क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को तो आप जरूर कर लीजिए हर राज्य के। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं करेरा अभ्यारण किस सन में बना? तो फ्रेंड्स ये आसान क्वेश्चन है, 1981 में बना था। आप मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण किस सन में बने थे, उनसे इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रौद्योगिक मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा डाउटफुल हूँ, ये प्रौद्योगिक मंत्री था या प्रोजेक्ट मंत्री था? तो इससे मतलब मंत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आपको फ्रेंड्स मैं आपको ये विश्लेषण देना चाह रहा हूँ कि आपको मंत्रियों से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण कहाँ पर दिया था? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं विश्व धर्म का भाषण दिया था शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, उन्होंने 1893 में ये भाषण दिया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें तो गांव की साफ सफाई से रिलेटेड कोई योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जैसे ऑप्शंस में थे ग्राम सड़क योजना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आया था बिना तेल रिफाइनरी से रिलेटेड, कि ये बिना तेल रिफाइनरी जो अपना तेल कहाँ बेचती है, ऑप्शंस थे उज्जैन, ऐसा कुछ रिलेटेड, मतलब मैं डाउटफुल हूँ इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं जहाज महल व हिंडोला महल कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आसान क्वेश्चन है, आप उसको आराम से बता सकते हैं, ये मांडू में है। फ्रेंड्स हिंडोला महल था कि नहीं ये मुझे नहीं पता, मतलब इसके अलावा और कोई महल था, पर जहाज महल जरूर था। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं इस अनुसार क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन आज चलते हैं मांडू के, फ्रेंड्स अपन कुछ महल देख लेते हैं, जैसे दाई महल हुआ, असरपी महल हुआ, रानी रूपमती महल हुआ, हिंडोला महल हुआ, जहाज महल में बता चुका हूँ, ये मांडू के इंपॉर्टेंट महल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें चाइना मैन किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स ये क्रिकेट से रिलेटेड है, जैसे अपन चाइना मैन कह देते हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड है, आप तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन विज्ञान से देख लें, जैसे फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया है कोई टंकी भरी हुई है तो उसमें जो तल अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी पास में मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तो किस कारण देता है? तो किरणें अपवर्तन होके आती है, इस कारण अपन को ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें कोशिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन अपन बात करते हैं फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया है, जैसे समुद्र में कोई मछली, मतलब जैसा पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड, पर समुद्र से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कल की शाम की शिफ्ट में 3 से 5 में पूछे गए हैं वो देख लें। मध्य प्रदेश की एक मात्र महिला राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सरला ग्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का स्टॉक एक्सचेंज सेबी से कौन से स्टॉक एक्सचेंज को बाहर कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा डाउटफुल हूँ, या तो ऑप्शंस में थे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मैं मुझे थोड़ा दिल्ली लग रहा है, पर मैं आपको डाउटफुल हूँ इसलिए मैं आपको श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ कि यही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन चलते हैं दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है वह किसने बनवाई? तो फ्रेंड्स वहाँ तो औरंगजेब ने बनवाई है, पर जो आगरा की मोती मस्जिद है ये बनवाई है इसका निर्माण शाहजहां जी ने करवाया है। मोती मस्जिद हुई, नगीना मस्जिद हुई आगरा की, ये आगरा का अपना ताजमहल हुआ, ये सब शाहजहां ने बनवाया है। तो फ्रेंड्स आप मस्जिदों से रिलेटेड कर लें, जैसे अपन कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के मतलब गुलाम थे, उन्होंने सबसे भारत की सबसे पहली मस्जिद भी बनवाई है जो जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और जो मतलब 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है। इसी के साथ साथ ये फ्रेंड्स कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्हीं ने चालू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं सिक्किम की राजधानी क्या है, आसान क्वेश्चन है गंगटोक। एक क्वेश्चन जिलों से संबंधित किस अनुच्छेद व अनुसूची से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल रक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये आसान क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री होता है।
और कैबिनेट के सारे मंत्री बैठते हैं इसमें। नेक्स्ट फ्रेंड साहब अपन बात करते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड्स ये आसान क्वेश्चन है, संत विनोबा भावे जी ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत में कितने राज्य हैं? आसान क्वेश्चन है 29 राज्य हैं। पैलेस ऑफ इल्यूशन बुक किसने लिखी? तो ये चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थोड़ा टफ क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि पुस्तक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें बंसल ग्रुप की मदद से कौन से प्राइवेट स्टेशन का निजीकरण किया जा रहा है? तो ये हबीबगंज हो जाएगा जो कि भोपाल में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन देखते हैं विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि कल की शाम की शिफ्ट यानी 30 तारीख की शाम की शिफ्ट में पूछे गए। अमीबा कैसा जीव है? तो ये अमीबा हो जाएगा एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करते हैं खाद्य पदार्थों में जो नाइट्रोजन गैस क्यों छोड़ी जाती है, ऐसा कुछ था। तो ऑप्शंस थे हाइड्रोजन हटाने के लिए, क्लोरीन हटाने के लिए, ऑक्सीजन हटाने के लिए, जल हटाने के लिए। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से क्लोरीन होगा, फिर भी मैं इसमें थोड़ा डाउटफुल हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड जीव जगत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अस्थियों व मांसपेशियों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन आगे चलते हैं मैथ में आज की शिफ्ट में, ये मैथ का 31 तारीख की शिफ्ट का है सुबह जो कि 9 से 11 हुई है उसका। मेंसुरेशन से फ्रेंड्स अपन बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, घन व वर्ग से क्वेश्चन आए थे इसमें। एवरेज से बात करें फ्रेंड्स मैं ये मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इतने तो आए ही हैं और मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं बहुत डाउटफुल आ रहा है, बहुत बताना बहुत मुश्किल होता है। एवरेज से फ्रेंड्स अपन बात करें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से फ्रेंड्स अपन बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से फ्रेंड्स अपन बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन आगे चलते हैं सिंप्लीफिकेशन से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रेंड से 1 से 2 क्वेश्चन, एज से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, अनुपात व समानुपात से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब अपन आगे चलते हैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कथन व निष्कर्ष से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से अपन बात करें 4 से 5 क्वेश्चंस, आकृति से 3 से 4 क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि गणित में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो को भी देखिए, मेरे हिसाब से मैंने बहुत शुरुआत से की है, मतलब शुरुआत मतलब बेसिक से चालू किया है, उसको कोई भी आसानी से समझ सकता है और यदि उस लॉजिक को लगा लिया तो फ्रेंड्स आराम से आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे उस वीडियो को भी देखिए और आप बताइए कमेंट में कि मैं किस तरह का और वीडियो बनाऊँ जिससे मतलब आपके MP पुलिस की प्रिपरेशन हो जाए और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाए। सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।